हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर। टुडे वी डिस्कस लास्ट टॉपिक है ये हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, कि जो वैश्वीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारी कृषि पर। और इससे पहले एक टॉपिक और था हमारा, वो था फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी है वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वो नहीं किया गया है तो मैं उसको नहीं कराऊँगा। और यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो वो मैं करा भी दूंगा। आपका जो कमेंट है उसका इंतज़ार रहेगा मुझे। चलिए आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है कि हमारे एग्रीकल्चर पे। पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ये कोई नया फिनोमिना है वो नहीं है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक टाइप से ट्रेड, कि जो ट्रेड है वो आज से कई सालों पहले, कई शताब्दियों पहले भी की जाती थी या अब भी करते हैं हम। पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। जो ग्लोबलाइजेशन वो क्या होती है कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरी देश की इकोनॉमी से जोड़ना, मतलब ट्रेड करना एक टाइप से। अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन है वो कहलाती है। आपने इको के अंदर भी पढ़ा होगा। ये क्या हुआ, आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, इंडियन जो फार्मर है उसको एक नया जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ गया। कि नया जो चैलेंज है वो कैसे फेस करना पड़ गया, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन अपना लिया। ग्लोबलाइजेशन अपनाने के बाद कि जो विदेशी जो कंपनियां थी वो भारत के अंदर अपना जो सामान है उसको बेच सकती थी। तो अब क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनी थी वो अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर लेके आती थी, और वो कैसा होता था, सस्ता होता था। कंपैरिजन करें हम इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो बनते थे वो थोड़े कॉस्टली होते थे, जबकि जो विदेशी जो आते थे वो क्या होते थे, सस्ते होते थे, चीप होते थे। कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल मार्केट, जो कंपटीशन है वो बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल जो मार्केट है उसका जो कंपटीशन है वो देखने को मिला, जिसके कारण क्या था, इंटरनेशनल कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, इससे क्या हुआ कि जो इंडियन फार्मर है वो नॉट एबल टू कम्पीट, कि जो इंडियन जो फार्मर थे वो इसको कम्पीट नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी किसी प्रकार से कोई हेल्प है वो नहीं करती। और जो सब्सिडी की मैं बात करूं तो हमारे पास फार्मर बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट है वो जो सब्सिडी है वो भी हमको जो प्रोवाइड है वो नहीं कर पा रही। अब बात करते हैं कि क्यों कम्पीट नहीं कर पाए, बात करते हैं क्यों की, वाई की, उसको कम्पीट है क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए जो डेवलपिंग जो कंट्री है हाईली जो सब्सिडी है वो देती है वो एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं जैसे USA है और जो यूरोपियन जो कंपनियां हैं वो जो अपने जो किसान होते हैं उनको क्या करते हैं, हाईली जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है कि वहाँ की जो प्रोडक्शन जो होती है वो जो फार्मर है उसको तो हेल्प करती है, पर बट उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो कर पाते हैं, पर इंडियन जो फार्मर है वो कम्पीट नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों, क्योंकि देखिए जो सब्सिडी है गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं करती, किसी प्रकार से कोई हेल्प है वो नहीं कर पाते, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है हमारे किसको, इंडियन फार्मर को। अब बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज अक्रॉस रोड। क्या होता है, देखिए ये है कि ये चौराहे पे है, ये मेन चौराहे पे करा है खड़ा है। अक्रॉस रोड्स होते हैं कि मेन चौराहे पे खड़ा, कि मतलब क्या है कि जो लगातार जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज हो रही है पर इनकम नहीं बढ़ रही। पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ जाएगी, हम कुछ एक सालों में चाइना को भी काट देंगे। कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो इनकम है वो बढ़ ही नहीं रही, और जो लैंड साइज है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। कि जो हमने जो शुरुआत है उसके अंदर, जो शुरुआती जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या थे कि लगातार जो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्री एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, अर्बन और जो रूरल जो सेटलमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कारण थे। एक पॉइंट आता है ग्रीन जो रिवोल्यूशन है उसने प्रोमिस तो किया, मतलब वो प्रोमिस्ड मच
कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बार जब आई तो उसके कारण क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा हुई, जैसे हमारा हरियाणा है, पंजाब है और वेस्टर्न यूपी है और ईस्टर्न राजस्थान है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो हुआ हर एक का, राइस का भी, वीट का भी, और भी जो क्रॉप थे उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई। पर कुछ टाइम के बाद नाउ इट इज़ द अंडर कॉन्ट्रोवर्सी, वो आज के दिन समस्या वो बन गई, क्योंकि देखिए वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जो सोयल की जो फर्टिलिटी है वो कम हुई, और फर्टिलिटी कम हुई और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो आज हम उसी लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ता है, जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उनकी आवश्यकता पड़ती है, पेस्टिसाइड है उनकी आवश्यकता पड़ती है, हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है वो हमें करना पड़ता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आज ये भी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है हमारे फार्मर्स को। पर हमने इसके कुछ जो अदर जो ऑप्शन है वो निकाले हैं, अल्टरनेटिव हैं वो निकाले हैं, जैसे जीन रिवॉल्यूशन। जीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमें सेम जो जेनेटिक जो हाइब्रिड जो सीड थे वैसे ही क्या करने चाहिए, जो सीड्स हैं वो डेवलप करने चाहिए, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो करनी चाहिए, और क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसमें डाइवर्सिटी है वो लानी चाहिए, अलग अलग तरह की जो फार्मिंग है वो करनी चाहिए, चाहे मिक्स फार्मिंग है, कॉमर्शियल जो फार्मिंग है, इस तरह से जो फार्मिंग है वो करनी चाहिए। ये था हमारा टॉपिक, ये टॉपिक किसका, ग्लोबलाइजेशन का। जो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि हम इसका जो मैप है वो भी कराएंगे, और मैप भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। थैंक यू।